नोट पर जो गांधी जी की फ़ोटो लगी है वो कहाँ से ली गई है? महात्मा गांधी की मुस्कुराती तस्वीर भारतीय रुपए की पहचान है, लेकिन क्या आपको पता है कि नोटों पर छपी गांधी जी की तस्वीर की कहानी क्या है? आइए आपको बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के 49 साल बाद तक महात्मा गांधी की तस्वीर अस्थायी रूप से भारत की करेंसी पर नहीं छपा करती थी, बल्कि इसकी जगह अशोक स्तंभ छपा होता था। ऐसे में सवाल उठता है कि नोटों पर गांधी जी की तस्वीर आई कहां से? दरअसल 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन इसके 2 साल बाद भी आज़ाद भारत की करेंसी के रंग रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ करता था। 1949 तक भारतीय रुपयों पर ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज 6वें की तस्वीर छपी रहती थी। इसके बाद सन 1949 में भारत सरकार पहली बार 1 रुपये के नोट पर नया रूप लेकर आई और इस पर किंग जॉर्ज की जगह अशोक स्तंभ की तस्वीर छपी। कुछ सालों तक भारतीय रुपयों पर अशोक स्तंभ के साथ साथ अलग अलग तस्वीर छपती रही, जैसे आर्यभट्ट, सैटेलाइट या फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। फिर साल 1969 में महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर पहली बार महात्मा गांधी की फ़ोटो भारतीय रुपयों पर नज़र आती है। भारतीय नोट पर जो महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई थी वो उनके सेवाग्राम आश्रम की थी। साल 1987 में दूसरी बार 500 रुपये के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी। इसके बाद RBI के प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार ने साल 1996 से अस्थायी रूप से गांधी जी की तस्वीर को भारतीय नोटों पर जगह दी। बता दें कि नोटों पर जो महात्मा गांधी की तस्वीर नज़र आती है वो ओरिजिनल फ़ोटो का कटआउट है। ये तस्वीर साल 1946 में कलकत्ता, अब कोलकाता के वायसराय हाउस में ली गई थी। उस वक्त महात्मा गांधी ब्रिटिश सेना लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस से मिलने गए थे, इसी दौरान उनकी ये तस्वीर खींची गई थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर अपने कीमती सुझाव सलाह हमें दें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।